हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर यू में। मेरा नाम है सर्वेश और आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो चलिए आइए सीखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ। अफर्मेटिव सेंटेंसेस कुछ इस प्रकार के होते हैं जिनमें हम सामने वालों को यह बताते हैं कि हम या सब्जेक्ट पास्ट में किसी काम को किसी समय से कर रहे थे, किसी निश्चित समय से कर रहे थे या किसी अनिश्चित समय से कर रहे थे, जिसको हम बनाते हैं इस रूल की सहायता से। सबसे पहले हम प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हम लेते हैं हैड बीन, हैड बीन के बाद हम लेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और आईएनजी के बाद हम लेंगे अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स के बाद हम लेंगे सिंस या फोर। सिंस या फोर कहां लेना ये आपको हमने पिछली वीडियो में बताया था, फिर से बता देता हूं। अगर समय निश्चित है यानी कि समय की शुरुआत का पता है कि काम कब से होना शुरू हुआ है तो आप लेंगे सिंस, और यदि समय अनिश्चित है यानी कि आपको समय की शुरुआत का पता नहीं है कि काम कब शुरू हुआ है कब नहीं तो आप लेंगे फोर। सिंस फोर के बाद आप लेंगे समय यानी कि टाइम। इस रूल की सहायता से आइए अब हम कुछ अफर्मेटिव एग्जांपल्स को ट्रांसलेट करते हैं। नंबर एक, अर्जुन एक घंटे से साइकिल चला रहा था। आंसर, अर्जुन हैड बीन राइडिंग अ साइकिल फॉर 1 आवर। नंबर दो, मम्मी सुबह से घर की सफाई कर रही थी। आंसर, मदर हैड बीन क्लीनिंग हाउस सिंस मॉर्निंग। नंबर तीन, विद्यार्थी 2 महीनों से अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। आंसर, स्टूडेंट्स हैड बीन वेटिंग फॉर देयर रिजल्ट फॉर 2 मंथ्स। नंबर चार, शिवानी दिसंबर से अपने पिताजी के साथ नौकरी कर रही थी। आंसर, शिवानी हैड बीन डूइंग जॉब विद हर फादर सिंस दिसंबर। नंबर पांच, महिलाएं छत पर बहुत देर से कपड़े सुखा रही थी। आंसर, वुमेन हैड बीन ड्राइंग क्लॉथ्स ऑन द रूफ फॉर अ लॉन्ग टाइम। और नंबर छह, अनुज अपने दोस्तों के साथ 3 घंटों से क्रिकेट खेल रहा था। आंसर, अनुज हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट विद हिज फ्रेंड्स फॉर 3 आवर्स। तो दोस्तों, ये थे हमारे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के कुछ एग्जांपल्स जिनको हमने ट्रांसलेट किया स्क्रीन पर दिए हुए रूल की सहायता से। और आइए अब हम आगे बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की ओर। दोस्तों, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस कुछ इस प्रकार के होंगे जिनमें हम सामने वालों को यह बताएंगे कि हम या सब्जेक्ट पास्ट में किसी काम को किसी समय से नहीं कर रहे थे, और इस तरह के वाक्यों को हम बनाएंगे इस रूल की सहायता से, जिसमें हम सबसे पहले लेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हम लेंगे हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन के बाद हम लेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, आईएनजी के बाद हम लेंगे अदर वर्ड्स, और उसके बाद हम लेंगे सिंस या फोर, और सबसे आखिर में हम लेंगे टाइम यानी कि समय। तो आइए अब हम इस रूल की सहायता से कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। एग्जांपल नंबर एक, मीना 1 बजे से सबके कपड़े नहीं धो रही थी। आंसर, मीना हैव नॉट बीन वॉशिंग एवरीवन्स क्लॉथ सिंस 1 o'clock। नंबर दो, पिताजी बहुत देर से खाली नहीं बैठे हुए थे। आंसर, फादर हैव नॉट बीन सिटिंग आइडल फॉर अ लॉन्ग टाइम। नंबर तीन, अंकुश 1 महीने से कंप्यूटर कोर्स नहीं कर रहा था। आंसर, अंकुश हैव नॉट बीन डूइंग कंप्यूटर कोर्स फॉर 1 मंथ। और नंबर चार, ये विद्यार्थी 3 वर्षों से इसी कॉलेज में नहीं पढ़ रहे थे। आंसर, दीज स्टूडेंट्स हैव नॉट बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज फॉर 3 ईयर्स। नंबर पांच, खिलाड़ी कुछ दिनों से मैच का अभ्यास नहीं कर रहे थे। आंसर, प्लेयर्स हैव नॉट बीन प्रैक्टिसिंग फॉर मैच फॉर सम डेज। नंबर छह, ग्राहक सुबह से बाजार से सामान नहीं खरीद रहे थे। आंसर, कस्टमर्स हैव नॉट बीन बाइंग स्टफ्स फ्रॉम मार्केट सिंस मॉर्निंग। दोस्तों, ये थे हमारे कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस जिनको हमने ट्रांसलेट किया स्क्रीन पर दिए हुए रूल की सहायता से।
और आइए अब हम आगे बढ़ते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की ओर। दोस्तों, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कुछ इस प्रकार के होते हैं, जिनमें हम सामने वालों से यह पूछते हैं कि क्या सब्जेक्ट पास्ट में किसी काम को किसी समय से कर रहा था, कर रही थी या कर रहे थे। और इस प्रकार के सभी वाक्यों को हम बनाते हैं इस रूल की सहायता से, जिनमें हम सबसे पहले लेते हैं हैड, हैड के बाद हम लेते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बीन, और बीन के बाद हम लेते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, आईएनजी के बाद लेते हैं अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स के बाद सिंस या फॉर, और सबसे आखिर में टाइम। आइए अब हम इस रूल की सहायता से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। नंबर एक, क्या मोहित एक घंटे से अपनी छत पर व्यायाम कर रहा था? आंसर, हैड मोहित बीन एक्सरसाइजिंग ऑन हिज रूफ फॉर 1 आवर। नंबर दो, क्या मास्टर साहब सुबह से छात्रों की कॉपियां जांच रहे थे? आंसर, हैड द टीचर बीन चेकिंग नोटबुक्स ऑफ द स्टूडेंट्स सिंस मॉर्निंग। नंबर तीन, क्या मकान मालिक किराएदारों को बहुत दिनों से परेशान कर रहा था? आंसर, हैड द हाउस ओनर बीन बॉदरिंग द टेनेंट्स फॉर मेनी डेज। नंबर चार, क्या मधु 5 मिनट से अपने कमरे में गाना गा रही थी? आंसर, हैड मधु बीन सिंगिंग अ सॉन्ग इन हर रूम फॉर 5 मिनट्स। नंबर पांच, क्या पुलिस कई दिनों से इन चोरों की तलाश कर रही थी? आंसर, हैड पुलिस बीन सर्चिंग फॉर दीज थीव्स फॉर मेनी डेज। नंबर छह, क्या अंकिता 2 घंटों से अपने कमरे में फिल्म देख रही थी? आंसर, हैड अंकिता बीन वॉचिंग अ फिल्म इन हर रूम फॉर 2 आवर्स। तो दोस्तों, ये थे हमारे कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जिनको हमने ट्रांसलेट किया स्क्रीन पर दिए हुए रूल की सहायता से। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की ओर। दोस्तों, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस कुछ इस प्रकार के होंगे, जिनमें हम सामने वालों से यह पूछेंगे कि क्या सब्जेक्ट किसी काम को पास्ट में किसी समय से नहीं कर रहा था, नहीं कर रही थी या नहीं कर रहे थे। इस प्रकार के सभी सेंटेंसेस को हम बनाते हैं इस रूल की सहायता से, जिसमें हम सबसे पहले लेते हैं हैड, हैड के बाद हम लेते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट या नेवर, उसके बाद हम लेते हैं बीन, बीन के बाद हम लेते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और इसके बाद हम लेते हैं अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स के बाद हम लेंगे सिंस या फॉर, और सबसे आखिर में लेंगे हम टाइम। तो चलिए आइए इस रूल की सहायता से अब हम कुछ एग्जांपल्स को ट्रांसलेट करते हैं। नंबर एक, क्या रामू यहां पिछले 3 सालों से सब्जियां नहीं बेच रहा था? आंसर, हैड रामू नॉट बीन सेलिंग वेजिटेबल्स हियर फॉर द लास्ट 3 इयर्स। नंबर दो, क्या विकास 2017 से इस कॉलेज से MBA नहीं कर रहा था? आंसर, हैड विकास नॉट बीन डूइंग MBA फ्रॉम दिस कॉलेज सिंस 2017। नंबर तीन, क्या मुकेश 4 घंटों से अपने दफ्तर की सफाई नहीं कर रहा था? आंसर, हैड मुकेश नॉट बीन क्लीनिंग हिज ऑफिस फॉर 4 आवर्स। नंबर चार, क्या रेखा की सहेलियां 9 बजे से अपने परीक्षा प्रश्न पत्र हल नहीं कर रही थी? आंसर, हैड रेखा's फ्रेंड्स नॉट बीन सॉल्विंग देयर क्वेश्चन पेपर्स सिंस 9 o'clock। नंबर पांच, क्या ये लोग कुछ महीनों से अपने कपड़े नहीं सिल रहे थे? आंसर, हैड दीज पीपल नॉट बीन sewing their clothes for some months। और नंबर छह, क्या मोनू जुलाई से अपने कॉलेज में दाखिला नहीं ले रहा था? आंसर, हैड मोनू नॉट बीन टेकिंग एडमिशन इन हिज कॉलेज सिंस जुलाई। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स उनके आंसर्स के साथ,
और आइए अब हम आगे बढ़ते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की ओर। दोस्तों पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस इस प्रकार के होंगे जिनमें हम सामने वालों से यह पूछेंगे कि सब्जेक्ट कब, कहां, कैसे, किसके साथ, किस लिए, किस समय से कोई काम कर रहा था, कर रही थी या कर रहे थे। और इस प्रकार के सभी वाक्य को हम बनाते हैं इस रूल की सहायता से, जिनमें हम सबसे पहले लेते हैं क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हम लेते हैं हेड, हेड के बाद हम लेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम लेंगे नॉट या नेवर अगर सेंटेंस नेगेटिव भी हुआ तो, और यदि सेंटेंस नेगेटिव ना हो तो नॉट और नेवर को छोड़ के हम लेंगे बीन, और बीन के बाद हम लेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद हम लेंगे अदर वर्ड्स, उसके बाद हम लेंगे सिंस या फॉर, और सबसे आखिर में हम लेंगे टाइम यानी के समय। तो आइए अब हम डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं उनके आंसर्स के साथ। नंबर एक, राजू 8 बजे से अपने कमरे में क्या कर रहा था। आंसर, व्हाट हैड राजू बीन डूइंग इन हिज रूम सिंस 8 o'clock। नंबर दो, प्रियंका 3 बजे से अपनी सहेलियों के साथ चिल्ला क्यों रही थी। आंसर, व्हाई हैड प्रियंका बीन शाउटिंग विद हर फ्रेंड्स सिंस 3 o'clock। नंबर तीन, ये लोग सड़कों पर कुछ दिनों से हड़ताल क्यों कर रहे थे। आंसर, व्हाई हैड दीज पीपल बीन स्ट्राइकिंग ऑन द रोड्स फॉर सम डेज। और नंबर चार, गोपाल 1 महीने से अपनी दुकान पर खाली क्यों बैठा हुआ था। आंसर, व्हाई हैड गोपाल बीन सिटिंग आइडल एट हिज शॉप फॉर 1 month। नंबर पांच, ग्राहक इस दुकान से कई दिनों से सामान क्यों नहीं खरीद रहे थे। आंसर, व्हाई हैड द कस्टमर्स नॉट बीन बाइंग स्टफ्स फ्रॉम दिस शॉप फॉर सम डेज। नंबर छह, गीता सोमवार से किस कमरे में रह रही थी। आंसर, इन विच रूम हैड गीता बीन लिविंग सिंस मंडे। तो दोस्तों यही सब था हमारी आज की वीडियो के बारे में जिसमें हमने सीखा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वीडियो के आखिर में मैं आपको इसी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से जुड़े कुछ एग्जांपल्स दूंगा जिनको आप वीडियो को पॉज करके ट्रांसलेट कर सकते हैं, चाहे आप इसको लिखकर ट्रांसलेट कर सकते हैं या फिर आप इनको बोल बोल कर भी ट्रांसलेट कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही साथ स्क्रीन पर दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पर हमारी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगली वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊंगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तब तक के लिए आप इंतजार कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए, फिर मिलेंगे, बाय बाय।